गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं बोडेली से मोरबी, वो भी 4 पैसेंजर। और ऐसा है कुछ हमारा, ये चार्जिंग का सेटअप देख सकते हो, ऊपर से जुगाड़ करके लिया है केबल, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम इधर चार्जिंग करते हैं। ऐसा एक 100 एम्पियर का बोर्ड बना लिया है हमने, और इसी के थ्रू ये वायर है, लॉन्ग वायर, कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं हम, अगर घर से दूर जा रहे हो। इसी प्लग से हमने गाड़ी को चार्ज किया, जरा भी सॉकेट पिन गर्म नहीं हुआ है, तो गाड़ी 100% चार्ज हो गई है। और अर्थिंग का जुगाड़ आप देख सकते हो, इसी में से बोर्ड में से ही अर्थिंग ले लिया है, और ये यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दिया था। ये देसी जुगाड़ है अपना चार्जिंग करने का सिस्टम। 100% बैटरी चार्ज करके घर से निकल गए, अभी 201 किलोमीटर की रेंज दिखाई दे रही है विथ एसी, और तकरीबन 1 किलोमीटर जैसा चला भी लिया गाड़ी हमने। जैसे काफ़ी लोगों की डिमांड थी 4 पैसेंजर और विथ लगेज, तो आप देख सकते हो चाकू जो 4 पैसेंजर के साथ विथ लगेज फुल लोडेड है गाड़ी। देखते हैं इस कंडीशन में क्या रेंज मिलती है हमको। बहुत ही बढ़िया सीनिक रास्ता है, आप देख सकते हो, ये रास्ता सीधा बड़ोड़ा जाता है, यहाँ से तकरीबन 57 किलोमीटर है, और पीछे की साइड आप जाओगे तो सीधा एमपी निकल जाएगा छोटा उदयपुर होके। इस रास्ते पे ट्रक काफ़ी दिखाई देंगे, क्योंकि जो बालू होती है रेती रिवर की, नदी की, यहाँ पे ओरसंग रिवर है, वहाँ से काफ़ी सारी निकलती है और यहीं से ट्रांसफ़र होती है। बाकी रास्ता तो एक नंबर है। 50 के किलो अमरूद है, बता दो। छोटे वाले है ये। गन्ने का रस का मशीन है, पुराना वाला लकड़ी का। चाम फर खाऊ छे। यहाँ से लेफ्ट साइड ले लेंगे तो सूरत की ओर रास्ता मुड़ जाएगा, और राइट साइड जाएगा अहमदाबाद। और हमें अहमदाबाद इस बार नहीं जाना है, उससे पहले ही बगोदरा होके निकल जाएंगे। यहीं से ही हम टॉप अप कर लेंगे तक्ष गैलेक्सी मॉल में, क्योंकि इस रास्ते पे बीच में एक डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आता है, बट कई बार वो बंद होता है, तो सेफर साइड यहाँ से टॉप अप ले लेते हैं आगे रिस्क लेने की बजाय, क्योंकि एक दो बार इसी सिचुएशन में फंस गए थे कि यहाँ से सीधा निकल गए और वहाँ पे पावर का इश्यू था, इसलिए दिक्कत ना हो, तो यहीं से टॉप अप लेके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक गाड़ी महिंद्रा की चार्ज हो रही है, टोटल 7.5 किलोवाट बैटरी चार्ज की है हमने यहाँ पे, और 100% चार्ज कर ली थी, 31 मिनट चार्ज पे लगाया था, आप स्क्रीनशॉट में लगा दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ से अभी आगे निकल गए हम, और हमारी बिटिया रानी थोड़ी सी नाखुश है, क्योंकि पहले तो लिया था यहाँ से पहनना है पहनना पहनना, या फिर अब बोल रही है नहीं पहनना है। बड़ोड़ा यहाँ से ये नेशनल हाईवे पे ही वो सामने ऊपर की ओर रोड जा रहा है, वाला एक्सप्रेस हाईवे है अहमदाबाद के लिए, मिल जाती है नेशनल एक्सप्रेस हाईवे नंबर 1। यहाँ से हमने नीचे ले लिया, भरूच तक काम हो गया है, नेशनल हाईवे है, आगे से आगे भी काम कट ले लेंगे, तो सीधा यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप दिल्ली भी और भी जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये बुलेट ट्रेन का ट्रैक हो रहा है अहमदाबाद से, जो बॉम्बे कनेक्टिविटी के लिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन बन रही है, वही रोड था वो भी काम प्रगति पे है। पप्पा नो छोला पीवे छे, जाकी केवी लागे छे? मने मने लागे छे। बरोड़ा से बाहर निकलते ही टोल आ जाता है, यहाँ पे 4 व्हील का टोल लगता है 155 रुपीज। यहीं से ही वापस हमको लेफ्ट ले लेना है नीचे वासत से, तो सीधा जाएगा बगोदरा।
पे रोड पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें बीच में दो टोल आते हैं, वो दोनों के दोनों फ्री है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। ये हमारी चिड़िया है, ची 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 चालू रहता है पूरे दिन। हाँ इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ताड़ गोठली। क्या दाम है इसका? पैसा पैसा कितना है? 50 का 10। 10 रुपए की ली है चखने के लिए। टेस्ट में ये हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये ऑनेस्ट होटल पे भी डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ चार्ज करके हम थोड़ा टॉप अप भी ले लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। फिर यहाँ से आगे का प्लान है, थोड़ा आउटकट में गणपतपुरा मंदिर है फेमस, उधर विजिट करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ चार्ज जोन का डीसी फास्ट चार्जर है, यहाँ चार्ज करके फिर आगे निकलते हैं। चार्जिंग का स्टेटस का आपको दिखा दूँ, पहली बार जब हमने किया था तब 69% बैटरी बची हुई थी, यानी कि 31% यूज़ किया था, और वहाँ से हम 100% करके निकले थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 47% दिखा रहा है, यानी कि 53% हमने यहाँ पे पहुँचने तक कंज्यूम कर ली है बैटरी। इधर ही गाड़ी चार्ज हो रही है हमारी, और इधर चिकन कुकड़े, बहुत ही खूबसूरत कुकड़े है इधर। काफ़ी लोगों ये पूछ रहे थे कि गाड़ी जितने किलोवाट का चार्जर होता है उस हिसाब से फास्ट चार्ज होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी जो हमारी है वो पावर 18.10 किलोवाट ले रही है, यानी कि चार्जर कोई सा भी हो, 60 किलोवाट का हो या 70 किलोवाट का हो, बट वो चार्जिंग स्पीड इसी स्पीड से होगी, 18.10 किलोवाट की स्पीड से। 75% गाड़ी चार्ज हो गई है हमारी। बैटरी चार्ज करके यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, और रेंज दिखा रही है 164 किलोमीटर। ये इसलिए कम दिखा रही है क्योंकि जब हम आ रहे थे तब एसी फुल ऑन था और स्पीड भी 85-90 के आसपास खींच ली थी इसने, इसलिए ये रेंज भी अभी कम दिखाई दे रही है। वटामन सर्कल से हमने अंदर ले लिया है, और सीमेज होते हुए हम गणपतपुरा की ओर निकल जाएंगे आगे। सीमेज थोड़ा काम है इसलिए ये रूट लिया, वरना आगे से भी हम गणपतपुरा जा सकते थे। थोड़ा सा चेंज है, सीमेज से सीधा हम अभी मोरबी के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है। तो गणपतिपुरा जो गणपति का मंदिर है वो स्किप कर दिया है, फिर कभी ले लेंगे, बट अभी सीधा यहाँ से हम जा रहे हैं मोरबी। सन बैटरी हमारी बची हुई थी और हम यहाँ पे पहुँच गए थे, आप देख सकते हो अभी चार्जिंग पे लगा ली है गाड़ी को, और HMF जो लिमड़ी से आगे पड़ता है थोड़ा सा, ये HMF होटल है, और यहाँ पे चार्ज जोन का डीसी फास्ट चार्जर है। तो चलो हम भी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, तब तक गाड़ी थोड़ी चार्ज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चार्ज करने का रीज़न एक ही था कि थोड़ा सा हम भी फ्रेशन अप हो जाए, और बच्ची है तो उसे खेल
खेलने कूदने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, तो वो भी उसका भी मूड थोड़ा ठीक रहे, वरना पूरे दिन गाड़ी में ट्रैवल करो तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा थोड़ा चार्ज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 74% गाड़ी चार्ज हो गई है अपनी, और यहाँ से अभी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। सो चलो यहाँ से अभी आगे निकलते हैं। अगर वोटर की बात करें तो इस बार वोटर 127 है, और ये ऑल टाइम हाई है मेरे लिए। इतने वोटर हाई कभी नहीं आए हैं मेरी ड्राइविंग में, क्योंकि फुल एसी चिल चला के चल रहे और स्पीड में गाड़ी चला रहे, इसलिए वोटर भी हाई जा रहा है। अभी आप देख सकते हो, उसी की वजह से रेंज आपको कम भी मिल सकती है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो मैं बताऊंगा कि फोर पैसेंजर विथ लगेज, और ये 45 डिग्री टेम्परेचर में विथ एसी गाड़ी क्या रेंज देती है। क्यों छे ओवर ब्रिज से हमें राइट जाना है, सीधा हमको मोरबी ले जाएगा ये रास्ता, और सीधा चले जाएंगे तो राजकोट। यहाँ से मोरबी का डिस्टेंस होगा तकरीबन 59 किलोमीटर के करीब। શું કહે છે જાકી? શું કહે છે? એને શું કહેવાય? બન્ના આવે છે જાકી ને? કેવું લાગે? મસ્ત મસ્ત रह गया है। बट आप ये जो मोरबी का इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, ये पिछले 5 किलोमीटर से शुरू हो गया है और ये कंटिन्यू रहता है यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर, यहाँ से कुल मिला के 30 किलोमीटर की पट्टी में, और ये हाईवे सीधा जाता है अपना कंडला। यहाँ से 10 किलोमीटर है, यानी कि 382 किलोमीटर कुल मिला के इस ट्रिप में हमने गाड़ी चलाई है, और बाकी की जो मैं डिटेल है घर पहुँच के आपको दूंगा डिटेल में कि कुल मिला के कितने परसेंटेज हमने गाड़ी में यूज़ किए और क्या कॉस्ट आई उसकी। कुल मिला के इस ट्रिप में हमने 383 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और देखा जाए तो इस ट्रैवल में हमने 204% बैटरी यूज़ की है। उसी के साथ साथ अगर
कितने पैसे लगे हमारे, तो उस हिसाब से 800 समथिंग पैसे लगे हैं, जिसमें घर पे हमने चार्ज किया था वो 180 उसमें इंक्लूड किया है, और बाकी का डीसी फास्ट चार्जिंग का है। इसे देखा जाए तो यही रूट अगर सेम में लेता हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो 170 से 80% बैटरी यूज़ होती है, 170-80% कुल मिला के इसी डिस्टेंस में। और इस बार हमने किया था 4 पैसेंजर ट्रैवल, और वो भी कड़ी धूप में, 45 डिग्री के आसपास दोपहर में टेम्परेचर था, इस वजह से हमारी बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन हुई है। कुल मिला के इस ट्रिप में हमें पर किलोमीटर अगर पैसों के हिसाब से देखें तो प्रति किलोमीटर 2 रुपीस लगे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।